अफशान पिरानी और आप देख रहे हैं मुमरा एक्सप्रेस। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। चंद पैसों की खातिर नशेड़ियों ने एक भाजी विक्रेता की बेरहमी से ले ली जान। जी हाँ, 30 अक्टूबर का मामला है, सुबह के 4:30 बजे का वक्त होगा, जब हमेशा की तरह मुमरा बाजार में टमाटर बेचने वाले सुजीत राजाराम गुप्ता, जिसकी उम्र लगभग 26 साल बताई जा रही है, अपने टमाटर का माल लेने के लिए घर से निकला तो रास्ते में कुछ लोगों ने उसे रोका और उसे छीन झपट करने की कोशिश की। वहीं सुजीत राजाराम गुप्ता ने अपने एक दोस्त को फ़ोन करके इस मामले की जानकारी दी और वहाँ से भागा। भागते भागते वो मुमरा फास्ट ट्रैक के बाजू में जो साई हॉस्पिटल है, साई सुमन पैलेस की ए विंग में चढ़ा और ऊपर जा कर के छत की ओर बढ़ा। वहीं ये 3 से 4 लोग, एक आरोपी का नाम मोहसिन बताया जा रहा है, जो मुख्य आरोपी है, मोहसिन शेर, 27 साल उम्र है उसकी, जुबेर बिल्डिंग का रहने वाला है, अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ में ऊपर चढ़ता है। सबसे पहले तो सुजीत का मोबाइल छीनते हैं वो लोग, और सुजीत के पास जो रकम रहती है, जो पैसे वो अपना टमाटर का माल लेकर जाने के लिए ले जा रहा था, लगभग 10-12 हज़ार रुपये कैश था, वो पैसा भी छीन लेते हैं और बड़ी बेरहमी से उसे ऊपर टेरेस से नीचे फेंक देते हैं, जिससे सुजीत की मौत हो जाती है। मुमरा पुलिस ने छानबीन करने पर पता चला कि 3 लोगों ने इसे मौत के घाट उतारा है, जिसमें से मुमरा पुलिस ने एक मुख्य आरोपी मोहसिन को पकड़ लिया है, 2 लोग फरार है, एक का नाम अरबाज बताया जा रहा है, वहीं दूसरे का नाम अब तक के स्पष्ट नहीं हो पाया है, परंतु मुमरा पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द बाकी के आरोपियों को भी हम हिरासत में लेंगे। अब हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर कब तक के इस तरीके के हादसों के शिकार होते रहेंगे हमारे मुमरा कौसा के लोग? अपना पेट पालने के लिए गांव से यहां पर आकर के रोजी रोटी कमाने के लिए टमाटर का एक छोटा सा धंधा लगाता था मार्केट में और अपना माल लेने जा रहा था, बेकसूर इंसान की इन नशेड़ियों ने बेरहमी से जान ले ली। मैं विनती करता हूं मुमरा पुलिस से कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इन लोगों पर और इन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही बेबाक खबरों के लिए जुड़े रहिए मुमरा एक्सप्रेस पर, ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।